अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मांगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ कद्दू का हलवा। तो गाइस, ये देख सकते हैं कितना बड़ा गाइस कद्दू है ये। तो गाइस, इसको सिंधी में पेठा भी कहा जाता है और इंग्लिश में पम्पकिन और उर्दू में आप जो आपको पता ही है कद्दू। तो गाइस, सबसे पहले हमने इसको कट किया और उसके बाद हमने इसके सीड्स रिमूव किए। गाइस, ये अभी बॉईल हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं, हमने इसको बॉईल कर लिया, अब ये स्टेन हो रहा है। तो गाइस, अब इसको हमने कूल डाउन करना है एंड फिर इसके अब पानी सेपरेट करेंगे और ये सेपरेट करेंगे। जो गाइस हमने कद्दू से पानी निकाला ना, उसी की चाशनी बनाएंगे। तो गाइस, हमने एक ग्लास शुगर डाली ताकि चाशनी तैयार हो जाए। तो गाइस, चाशनी रेडी हो चुकी है, तो अब हम डालेंगे कोकोनट और किशमिश। Now it's time to add oil. जो गाइस अभी हमने पम्पकिन सेपरेट किया था, वही अब हम ऐड करेंगे। तो गाइस हलवा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो गाइस, आपको कैसी लगी रेसिपी, तो मैं अब टेस्ट करता हूँ कि बताता हूँ कैसी है। गाइस, कद्दू का हलवा ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा शार्प करता है, तो ये स्टूडेंट्स को खाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा शार्प करता है गाइस ये ब्रेन को। और ये काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी बेस्ट था गाइस। आप ज़रूर ट्राई करें, या बाहर से बनवा लें, या फिर आप खुद अपनी अम्मी को बोले बना दें, काफ़ी मज़े का। और ऊपर थोड़ी सी ना टॉपिंग वॉपिंग। तो आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।